हुआ मिस्टर विटेरियो, इंटरव्यू हुआ। दे ब्राइब्ड देविका, और मुझे तो ये लगता है कि जिस गाड़ी में देविका और डैड ट्रैवल कर रहे थे उसी पत्रकार की गाड़ी थी। ओह आई सी। देखिए मिस्टर विटेरियो, प्लीज आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आगे इंक्वायरी कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट टू समथिंग। ओके मिस्टर ऋषभ, थैंक्स अ लॉट मिस्टर विटेरियो, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे कनाडा जाने से पहले मैं हर वो जगह तुम्हारे साथ दोबारा जाना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? हाँ। तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ वरना मैं। ये धमकियाँ किसी और को देना, वो घर पर नहीं है, समझे? किसका फोन था आंटी? तुम्हारे पापा के किसी दोस्त का। खेलो। अच्छा शंकर, हम इंसान है, देवी देवता नहीं है। सुनीता ये बात समझ कर और कहकर जीना कितना आसान कर दिया है तो ये नहीं जानती। स्वेतलाना के रहने का बंदोबस्त मैंने सिल्वर एस्टेट के बजाय किसी जेल में नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी करण नहीं। डॉक्टर गांधी ने आपको इन्फॉर्म तो कर ही दिया होगा। हाँ, बबली के अटेम्प्टेड सुसाइड के बारे में ना। जी, बस आपको यही बताने आया हूं मैं कि अब बबली बिल्कुल ठीक है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप। मैं समझ गया, आप चिंता ना करें, हम इस मामले में कोई छानबीन नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई टेक योर लीव देन। क्या कुछ और याद आया? जी इंस्पेक्टर साहब, और अब जो याद आया मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैठिए ना, बैठ के बातचीत करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप करण सिंह को मेरे पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लें। लेकिन आपके पिता का कत्ल तो इटली में हुआ था ना? मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि उस वक्त करण भी इटली में मौजूद था। लेकिन इटली में हुए किसी भी कत्ल की छानबीन करने का राइट हम लोग के पास नहीं है। मैं आपको छानबीन करने के लिए नहीं कह रहा इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ उसे गिरफ्तार करने के लिए कह रहा हूं। अगर केशव मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में नहीं तो फिर किसी और कत्ल के इल्जाम में उसे अरेस्ट कर लीजिए। कत्ल तो इंडिया में भी हुए इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि राव साहब, छोटे नवाब। कत्ल का इल्जाम बहुत संगीन होता है मिस्टर ऋषभ, बिना सबूत के वारंट नहीं मिलते। तो सबूत मैं आपको ला कर दे दूंगा, फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अगर सबूत ठोस हुए तो। भगवान का शुक्र है कि मैं अपने कपड़ों में था, वरना अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कोई वर्दी होती और मैंने पहनी होती तो नंगा कर देते मुझे ये लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ताऊ जी, बहुत नाइंसाफी हुई आपके साथ। बड़ों का लिहाज नहीं, खानदान की परवाह नहीं, आंखों में शर्म नहीं, आदर सत्कार तहजीब किसी का भी ख्याल नहीं किया लोगों ने। अरे मैं पूछता हूं, अगर ऋषभ की गर्दन पर रिवॉल्वर रखकर रंजना देवी से कोई कहे कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में आग लगा दो तो वो क्या इनकार कर पाती? नहीं कर सकती, आखिर माँ है, बेटे की मौत को कैसे देख सकती है ताऊ जी? ऐसे ही हालात थे मेरे जिस वक्त मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का विरोध करना मंजूर किया था। आपका कहीं कोई दोष नहीं ताऊ जी, शायद यही मौका ढूंढ रहे हैं वो लोग आपको बाहर निकालने का। अरे तो ये कोई तरीका है हटाने का? हरामजादों ने मुझे फेंक दिया बाहर, जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। मेरी पोजीशन, मेरी पेंशन, मेरा रुतबा, मेरी जगह, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। आप चिंता मत करो ताऊ जी, उनका भी भला नहीं होने वाला है। और आजकल मजदूरों में बहुत गड़बड़ी चल रही ताऊ जी। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई मल्होत्रा इंडस्ट्री से नहीं है, मल्होत्रा परिवार से है। बात एक ही है ताऊ जी, सांप का सर काटो या पूंछ पकड़कर कमर से तोड़ डालो, मतलब तो सांप को मारने से है ना। लेकिन यहां सांप एक नहीं है, बहुत से हैं। हमारा परिवार एक धागे से बंधा हुआ है ताऊ जी, इसलिए आप जो भी वार करेंगे सब कुछ चोट पहुंच जाएगी। क्या वार करें और कब करें यही मैं सोच रहा हूं।
मैं कुछ कहूं ताऊ जी? हाँ हाँ कहो। वर्कर्स का जो लीडर है एकनाथ, उसको हम मरवा देते हैं। इसका इल्जाम सीधा मैनेजमेंट के ऊपर जाएगा। नहीं, मैं किसी की भी जान लेने के हक में नहीं। तो फिर आपकी बेइज्जती का बदला कैसे लिया जा सकता है ताऊ जी? तुम लोग एक काम करो। क्या? उस एकनाथ को अधमरा करके छोड़ दो और उस मारपीट के इल्जाम में एक आदमी अरेस्ट हो जाओ। फिर जो अरेस्ट होगा वो पुलिस को ये बयान देगा कि उसे ऋषभ ने रकम दी थी एकनाथ को मारने के लिए। बेटा जरा देखना ये शर्ट कैसी है। बहुत अच्छी है। किसके लिए है? गेस। एनर्जी खर्च करने के बहुत सारे डिपार्टमेंट है मेरी लाइफ में, इसलिए तू ही बता दे कि किसके लिए है। अरे यार, एक आध गेस ले लिया होता तो। डोंट टेल मी कि किसी खास के लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम सही अंदाजा लगा पाती हो या नहीं। रूबी, मैं अपनी लड़ाइयां वहां लड़ती हूँ जहां मुझे सच को भी साबित करना पड़ता है। अंदाजे से काम नहीं चलता, सबूत देने पड़ते हैं। इसलिए अब सच सच बता दे कि ये शर्ट किसके लिए है। ये शर्ट एकनाथ के लिए है। बहुत अच्छी है। कैसी लगेगी उसके ऊपर? अब ये तो मैं नहीं बता सकूंगी। क्यों? क्योंकि ये शर्ट जब वो पहनेगा तो तुम उसे देख रही होगी और मैं तुम्हें। क्यों? क्यों? इस शर्ट का रंग तो वही रहेगा ना, तुम्हारे चेहरे पर रंग बदलते नजर आएंगे। मेधा, हाय, आओ ना। अच्छा पहले बताओ ये शर्ट कैसी है। अच्छा हुआ आप यहाँ हैं, मैं आपसे मिलने आया था। पहले रूबी से तो मिल लो, बाद में मुझसे मिलते रहना। पहले आपसे मिलना जरूरी है, रूबी से मैं बाद में मिलूंगा। अच्छा मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, बैठो। कहो। आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लीगल एडवाइजर हैं और। एक मिनट, तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लीगल एडवाइजर से मिले आए हो या रूबी की बहन से? दोनों से। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स का लीडर हूं और आप मालिकान की लीगल एडवाइजर हैं और साथ ही उनके दोस्त भी हैं। जहां बहुत से इंसानों के पेट जुड़े हों वहां हर चीज कानून के नुक्ते नजर से नहीं देखनी चाहिए। ओहो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को यकीन हो गया है कि ये लड़ाई कानूनी तौर से तो आप नहीं जीत सकते। जी नहीं, दरअसल हम ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कानून बहुत वक्त लेता है। जब फॉलो करने की हिम्मत ही नहीं थी तो लड़ाई शुरू ही क्यों की? इसमें था, प्लीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे आप मेरी या मजदूरों की कमजोरी में समझिए। तो तुम्हारा मुझसे ये बात करने का मतलब क्या है? आपसे मेरा बात करने का मतलब ये है कि मैं दोनों तरफ के जोश को होश में बदलना चाहता हूँ, दोनों पार्टीज को टेंशन से, फालतू के लिटिगेशन से बचाना चाहता हूँ। एकनाथ, मैंने अभी तक ये केस पूरी तरह पढ़ा नहीं है। मालिकों और मजदूरों में केस क्या होता है मेधा जी? मजदूर अपने हक से ज्यादा कभी मांगते नहीं है और मालिकों की हर कोशिश होती है कि वो जितना कम हो सके दे। एकनाथ, तुम मेरे क्लाइंट पे गलत इल्जाम लगा रहे हो और वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके क्लाइंट गंगा जल में नहाए हुए कोई साधु संत तो है नहीं मेधा जी। और तुम्हारे वर्कर्स भी मैनेजमेंट के दामाद नहीं है जिनकी हर जायज और हर नाजायज मांग पूरी की जानी चाहिए। आप मेरे साथ बैठकर मजदूरों की कोई भी मांग को नाजायज साबित कर दीजिए और मैं स्ट्राइक वापस लेने को तैयार हूँ। ये मैं तुम्हारे कहने से नहीं कर सकती एकनाथ, श्वेतलाना से मुझसे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप श्वेतलाना जी से मिलकर उनके साथ बैठकर कोई रास्ता निकालिए जिससे जल्दी समझौता हो जाए। मैंने कहा ना एकनाथ, अभी तक मैंने ये केस पूरी तरह स्टडी नहीं किया है। मजदूरों में बहुत हिम्मत होती है मेधा जी, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए इस्तेमाल करके खुश होते हैं। देखो एकनाथ, मुझे पूरी हमदर्दी है तुमसे और तुम्हारे साथियों से, लेकिन पहली बात, मेरा पहला फर्ज ये बनता है मैं अपने क्लाइंट का नफा नुकसान देखूं। दूसरी बात, तुम्हारा स्टैंड सही है या गलत ये जाने बगैर मैं अपने क्लाइंट को कोई भी राय नहीं दे सकती। दौलत वाले शरीफ और गरीब बदमाश होते हैं, ऐसा तो कुदरत का कोई कानून नहीं है। एकनाथ, यहाँ सवाल शराफत और बदमाशी का नहीं है,
सवाल सच और झूठ का भी नहीं है, सवाल है एक बहुत बड़ी कंपनी का, उसके मैनेजमेंट का और उनके असूलों का। बिजनेसमैन के उसूल उसके नफे नुकसान के साथ बदलते रहते हैं। मैं फिर एक बार याद दिलाती हूँ कि तुम मेरे क्लाइंट के बारे में बात करते हो और एक भी लफ्ज और मैं सुनना नहीं चाहूंगी। ठीक है, गलती मेरी ही है। मैं इमली के पेड़ के नीचे खड़े होकर आम के गिरने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूं। इतनी रात को आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? पुलिस तो कानून की गुलाम होती है मिस्टर करण, हमारा क्या है? जहां जाने का हुक्म मिला हम चले गए। तो आपको साहब कानून ने यहां भेजा है? जी हाँ। क्यों? आपको अरेस्ट करने के लिए। आपसे जरूर कोई भूल हुई है, मेरे बेटे ने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। मैंने कब कहा कि इन्होंने कोई जुर्म किया है? तो फिर आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? शक के बिना पर। किस जुर्म के शक के बिना पर? मामला संगीन है मिस्टर करण, पुलिस को शक है कि सुधाकर राव के कत्ल में आपका हाथ है। मारपीट, किसी का कत्ल होता आप यहां चले आते, मजाक है? सारी बेबुनियाद बातें, आप इस तरह मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप रेसिस्ट करेंगे तब भी हम आपको अरेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपके ऊपर रेसिस्ट करने का इल्जाम भी लग सकता है मिस्टर करण। नहीं नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है इंस्पेक्टर। भला राव से करण की क्या दुश्मनी हो सकती थी? इन सब बातों का फैसला अदालत में होगा, फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन किसी शरीफ आदमी को अरेस्ट करने के लिए आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, सच झूठ सही गलत सबूत और गवाह, इन सब बातों का ताल्लुक अदालत से। एक्सक्यूज मी, एक तो आप मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में घुस आए। आई ऑर्डर यू टू जस्ट गेट आउट। मिस्टर करण, मेरे पास पूरी पावर्स हैं यहां आने की भी और आपको अरेस्ट करने की भी। बेहतर होगा कि आप मां चलिए। ऋषभ, इस हरकत का तुम्हें जवाब देना होगा। यू हैव अ लॉट टू एक्सप्लेन। मैं तो भूल ही गई, और आई जस्ट फॉरगॉट। क्या? जो भूल गई थी, अगर भूली रहती तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती, कभी नहीं। क्या? एक मिनट, जस्ट वेट। कैसा है? अच्छा है। तुम्हारे लिए। क्या? अब जल्दी से पहन कर दिखाओ। पर इसको डाइजेस्ट तो कर लें दो कि ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो। क्यों? अच्छा नहीं लगा क्या? ये कोट या तुम्हारा मेरे लिए ये कोट लेकर आया? ओहो, दोनों भी। तो कोट बहुत अच्छा है, तुम्हारा मेरे लिए इस कोट को लेकर आना बहुत बहुत अच्छा है। जानते हो सुनील, तुम किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे। यू आर लुकिंग जस्ट ग्रेट। उतार दूं क्या? नहीं, क्यों? इतने अच्छे लग रहे हो, पहने रहो ना। जानते हो सुनील, मैंने सैटरडे की पार्टी में किस किस को इनवाइट किया है? किस किस को? सुनील और ऋतु तो होंगे, फिर नीतू और वॉल्टर भी है, क्योंकि एक तरफ से वॉल्टर के लिए फेयरवेल पार्टी है। पूजा को बुलाया है। तुम क्या जानबूझकर इन दबी हुई चिंगारियों को हवा देती हो? क्या मतलब? तुमने मुझे बुलाया, मेधा को बुलाया, उसके बाद तुमने ऋषभ को भी बुला लिया। सुनील, अभी तुम्हारा मेधा और ऋषभ का जो ट्रायंगल है उसकी इंटेंसिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं समझती कि किसी के भी आंखों के एक्सप्रेशन बदलेंगे। And after all, Rishabh is my brother.
बहुत ही बदतमीज और बदतहजीब इंसान है। सुनील, कम से कम मेरे सामने तो ऋषभ भैया की बुराई मत करो। देखो, उसे पंगा लेने का शौक है और मैं तुमको अभी से वार्न किए देता हूं, अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। ठीक है बाबा, लेकिन पहल तुम भी मत करना। मुझे क्या प्रॉब्लम? तो फिर ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभालू। संभालू? मुझे संभालू। ओहो। क्या बात है भाई, दुश्मनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। लगता है सभी मेरे दुश्मन हो गए हैं, हर रिश्ते में बल पड़ने लगे हैं अब तो। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वही वो औरत रश्मि, उसे रॉनी के साथ जो भी करना है वो करें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम सोनू को तो वो मुझसे दूर ना करे। देखो स्वेतलाना, इमोशन और एम्बिशन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, जज्बात अपनी जगह है। मतलब? मैं ये नहीं कहता कि सोनू की तरफ से तुम बिल्कुल बेखबर हो जाओ, पर सोनू से जुड़ी किसी बात को लेकर इतना अपसेट भी ना हो जाओ कि रात को तुम सो ना सको, सुबह उठो तो कुछ सोच ना सको। सूरज, तुम औरत नहीं हो इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि किसी बच्चे के बाप की रखेल जब उस बच्चे को अपनी माँ से बात तक नहीं करने देती तब उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मैं मानता हूं मैं औरत नहीं हूं, ना ही मैं माँ हूं, पर डिक्शनरी का सबसे ताकतवर फेमिनिन शब्द जो है कामयाबी, उसे मैं जानता हूं, पहचानता हूं, अच्छी तरह समझता हूं, और कामयाबी के जो डिमांड्स हैं उनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। क्या डिमांड्स हैं उसकी? कामयाबी की पहली डिमांड है चेहरे पर मुस्कुराहट। देखा, तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। दूसरी डिमांड? दूसरी डिमांड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, जो तुम्हारे अंदर बहुत है। और तीसरी? तीसरी है बुरी से बुरी सिचुएशन में गुस्सा ना करना। जैसे कि दो लोग थे, ए और बी। ए ने बी से बहुत सा पैसा लेना था और बी पैसे दे नहीं रहा था, तो ए बी के घर पहुंच गया, बहुत डांटा, धमकाया, गालियां दी, पर बी हंसता रहा और ए चला गया। तो बी के दोस्त ने पूछा, भाई तुम बड़े अजीब आदमी हो, वो तुम्हें डांट रहा था, धमका रहा था, गालियां दे रहा, तुम फिर भी हंस रहे थे। तो बी बोला, यार वो कुछ दे के ही गया ना, लेके तो नहीं गया। लेकिन सूरज, ये खूबी हम दोनों में से किसी में भी नहीं है, सीखेंगे कैसे? भाई साथ साथ चलते चलते मिलजुल के सीख जाएंगे। हाँ स्वेतलाना, हमारा ये जो पब्लिक इशू निकलने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा? इस इशू के निकलने के बाद शहर के मनी मार्केट का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। सच? बिल्कुल सच। अच्छा एक काम करो। क्या? इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, कहीं खुली हवा में जाके अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो। गुड आइडिया।